नमस्ते बच्चों, आइए आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत प्रदीप शुक्ल जी का लिखा हुआ एक नवगीत गांव और शहर, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1967 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में हुआ था। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती हैं। अम्मा रहती गांव में, ये नवगीत संग्रह, गुल्लू का गांव, ये बालगीत संग्रह इत्यादि इनकी अनेक प्रमुख कृतियां हैं। आइए कुछ पद्य संबंधी बातों को जान लेते हैं। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांवों का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। आइए अब हम इस नवगीत को विस्तार पूर्वक समझ। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि प्रदीप जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि गांव और शहर के दर्द को दर्शाते हुए कहते हैं कि आज पूरा माहौल बदल गया है, लोगों की सोच और व्यवहार भी बदल गया है। बच्चों, सुर अर्थात स्वर, दीदा अर्थात आंख होता है। कवि प्रदीप शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण हालत खराब है, लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। गांव टुकुर टुकुर अर्थात बच्चों टकटकी लगाकर शहरों की ओर देखते हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि प्रदीप जी कहना चाहते हैं कि शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण जरा भी जगह नहीं बची है। ठसाठस अर्थात बच्चों बहुत भीड़ होना, वे भीड़ के कारण बुरी तरह भरे हुए हैं, जबकि गांव से लोगों के शहरों की ओर जाने के कारण खालीपन हो गया है। गांव का वह पीपल का वृक्ष जो कभी लोगों की बैठकें, बातचीत और बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, आज सूख गया है, उसके पत्ते झड़ गए हैं, वह निराश सा दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, गांव और शहर की अगली पंक्तियां हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे।